हेलो गाइस, वेलकम टू लिव न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी हो चुका है शाम और शाम का क्या कहते हैं डिनर की तैयारी होने वाली है, तो देखते हैं कि आंटी किचन में क्या बना रही है। देखिए यहाँ पे आंटी बना रही है रोटी बना रही है आंटी यहाँ पे बना रही है रोटी। और रोटी बन जाएगा फिर सब्जी की तैयारी करेंगे और देखते हैं क्या सब्जी क्या बनता है। मम्मी गई हुई है मार्केट कुछ पापा के साथ सामान वामान लेने और सब्जी भी उधर से लेती हुई आएंगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? बोलो, मेरी फ्रेंड आई है आज। मेरी फ्रेंड आई है आज, तो बता तो दो कहाँ है फ्रेंड। बुलाओ इधर, फ्रेंड को बुलाओ। बोलो इधर आइए, बताओ कौन है, कहाँ है फ्रेंड, बता दो। हेलो कर लो, हाथ मिला लो, हाथ मिला लो, उस हाथ से, इस हाथ से, इससे। नाम पूछो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। क्या नाम है फ्रेंड का? लक्ष्मी। ओ, लाडो की फ्रेंड का नाम लक्ष्मी है। नहीं नहीं दोस्त बनिए लाडो। लक्ष्मी लक्ष्मी तो हमारे दादा जी का भी नाम है लाडो। दादाजी का नाम लक्ष्मी नारायण। दादाजी का, दादाजी का। और दादी का नाम? ललिता देवी। ललिता देवी। सब तो भैया बता देते, आपको पता क्या है? खाना क्या खाई लाडो? कॉर्नफ्लेक्स और प्याज का पराठा खाए थे। प्याज का पराठा? अपनी फ्रेंड से पूछो क्या खाइएगा। क्या खाइएगा? उधर देखिए, उधर है ना, पूछो क्या खाइएगा। कुछ नहीं, मैंगो खाइएगा। मैंगो खाएगा। बहुत दिन से परेशान करते कॉम्प्लेक्स नानी के पापा को। तो गाइस, मम्मी अभी मार्केट गई थी और उधर से लेके आई है बहुत सारे कपड़े, क्योंकि हम जाने वाले हैं बाहर घूमने। तो बहुत जैसे जैसे नज़दीक टाइम आने वाला है वैसे वैसे हम धीरे धीरे सारे कपड़े पैकिंग कर रहे हैं, ताकि एंड टाइम पे ना हमें दिक्कत ना हो, कोई चीज़ छूट ना जाए। और धीरे धीरे मार्केट से सारा सामान लेते आ रहे हैं और जैसे जैसे सामान आता जा रहा है हम पैकिंग करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर जाना और बहुत लंबे टाइम के लिए हम जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे हम, ये आपके लिए सरप्राइज़ है। हम आगे बताएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। तो देखिए कितने सारे कपड़े आ चुके हैं और सारे कपड़े नए आ रहे हैं, सारे कपड़े नए आ गए। और इधर ये दो बैग रेडी है, उधर एक बैग पूरा रेडी है। तो बस अब बहुत नज़दीक टाइम आने वाला है हमारे निकलने का यहाँ से घूमने जाने के लिए, तो फटाफट पैकिंग हो रहा है। और भी बहुत कुछ अभी पैकिंग करने के लिए बचा हुआ है, अभी तो बस 50% ही हुआ है। तो जो अभी नए कपड़े लेके आए उन्हें भी फटाफट पैक कर लेती हूँ मैं। यस, ये भी आधा बैग फुल हो चुका है, आधे कपड़े आ चुके हैं इसमें, और वो वाला तो पूरा पैक है, ये भी पूरा पैक है, थोड़ा बहुत इसमें सामान जाएगा अब। तो बाकी तो थोड़ा बहुत ये सामान बचा हुआ है छोटा मोटा, बाकी मेन सामान तो हमने पैक कर ही दिया है। तो बस मैंने उधर सामान सब पैक कर दिया है और अभी मैं बनाने जा रहा हूँ कच्चे आम का शरबत। और ये कच्चा आम लिया है, उसको बॉईल कर दिया, बॉईल करके अब इसको मिक्सी में पीसेंगे और इसका शरबत बनाएंगे। और ठंड के लिए ना, ठंड के लिए पेट ठंडा रखने के लिए ना, बहुत ज़्यादा ये कच्चा आम बॉईल किया हुआ कच्चे आम का शरबत बहुत ज़्यादा फायदे करता है और मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है पीने में। तो गर्मी बहुत ज़्यादा इधर है तो अभी इसको बनाते हैं और पीते हैं। मैंने पीस लिया है आम का और ऐसे, और यह कटोरी में पानी लिया है और इसको अब इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से, और बाकी चीज़ें भी इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक जितना आपको स्वाद अनुसार पसंद है, और हल्का सा एक चुटकी वाइट नमक के साथ काला नमक डालेंगे, और जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और आपका आम का शरबत रेडी है और बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है पीने में। बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस बॉईल करो और इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लो और पानी में मिला के, ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में, जिस पानी में आपको पसंद है वो पीजिए और इन्जॉय करिए अपना आम का शरबत। तो गाइस, मैंने अपने अलमारी में से कुछ सामान निकाल दी थी और वो सामान ना काफ़ी अंदर में था, तो मुझे अंदर से ना देखिए क्या मिला।
ये मैंने ना, ये इनके शादी का सेहरा है, ये मैंने बहुत ही संभाल के अलमारी के बिल्कुल अंदर रख दिया था ड्रॉर में, ताकि ये ख़राब ना हो, और रख के मैं भूल ही गई थी, मेरे को ध्यान ही नहीं था कि कहाँ है, और अभी मैंने देखा तो ये, और ये ऐसा कैसा ही पड़ा हुआ है। इसे पता है, जब हम दिल्ली से शादी करने के लिए यहाँ बिहार आ रहे थे ना बाय रोड, तो कार से आ रहे थे बाय रोड, और इसको मैं पूरे रास्ते इस सहरे को अपने गोदी में बिठा कर लाई थी, क्योंकि इसके इसके जो ये है ना, ये पंख, ये हम कहीं रखते तो ये सहरा बहुत ही नाजुक था, तो इधर उधर दब जाता, और दब के क्या कहते हैं, इसका बुरा हाल हो जाता। ये क्या कहते हैं, दिल्ली से यहाँ तक तो बच के आता नहीं, तो इसको पूरे रास्ते ना मैं अपने गोदी में बिठा कर लाई प्यार से, और ये इसका एक एक पंख मैंने इसका बिखरने नहीं दिया, वैसा का जैसा दुकान वाले ने बना कर दिया था वैसा ही मैं लेके आई। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बुके क्या कहते हैं, गुलदस्ता है, ये मुझे दिया था इन्होंने शादी से, जब हमारी शादी लगी थी उसके बाद जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे ना एक दूसरे से, तो ये उन्होंने मुझे दिया था, उनको ये काफ़ी अच्छा चाहिए था, पर यहाँ पर जैसा अवेलेबल था वैसा दिया था, तो ये मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है इसको। ऐसा कैसे, इसके सारे फूल सूख चुके हैं, और ये जो आपको कलरफुल फूल दिख रहे हैं वो प्लास्टिक के हैं, बाकी जो ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये सारा सूख चुका है, और ये अभी तक मैंने ना इसको संभाल के रखा हुआ है। पहली मुलाकात की ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा खास होती है और यादगार होती है, इसलिए मैंने इसको संभाल के बहुत अच्छे से हिफाजत से संभाल के रखा अंदर वार्डरोब के ड्रॉअर में, ताकि वहाँ चूहा भी ना घुस सके कोई नहीं। उसे बहुत ही कम ही टाइम में खोलती हूँ, जब यहाँ अपने ससुराल बिहार आती हूँ तो बहुत कम ही टाइम पर खोलती हूँ वैसे। तो ये देख, मुझे इनकी शादी के सारे कपड़ों में से ना सबसे अच्छा ना इनका सहरा ही लगा था, ये सहरे पे बहुत ही ज़्यादा जच रहे थे, और सहरा ही खुद ही इतना सुंदर था। तो इसे मैं अब वापस से उतने हिफाजत और अच्छे से पैक करके, थैले में पैक करके, इसको अच्छे से अलमारी में डाल देती हूँ। अलमारी खोला दिखा तो मन करके कि इसको बाहर निकाल के अच्छे से देखूँ, इसको ट्राई करूँ अपने सर पर लगा के। शादी की कुछ कुछ यादें इतनी यादगार होती है ना, उनकी बात ही अलग रहती है, और उनमें से सबसे यादगार ये सहरे की कहानी है मेरी, और ये खुद सहरा भी इतना अच्छा है, इतना सॉफ्ट लगा था ना मुझे ये इसको, और बुके को अच्छे से पैक करके मैं रख देती हूँ अलमारी में। ये देखिए, इतने अंदर मैं रख देती हूँ ना, ताकि ये बार बार बाहर निकले ही ना। सहरे भी थैले में डाल दिए, और इसको भी, इसका कोई काम ही नहीं है। अब वो फिर से पैक हो गया, अब मैं फिर जब मैं ही मेरा ही मन करेगा निकालने का तब निकालूंगी, वरना कोई निकालेगा नहीं, किसी को ज़रूरत ही नहीं है। मेरा ही कभी कभी देखने का मन करता है तो मैं निकाल लेती हूँ, जैसे कि अभी मैं सामान निकाल रही थी तो मुझे दिख गया, तो मेरा मन कर गया देख के निकालने का। तो मैंने सारा अलमारी सा दिया, जिस जो सामान जहाँ था वहीं रख दिया अच्छे से हिफाजत से, फिर कभी मन करेगा तो फिर निकाल के देखूंगी। तो आज का ब्लॉग हम यही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपनों का ख्याल रखें, अपनों से प्यार करें, और हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। बाय।